सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को मोटिवेशनल वीडियोस एंड केस स्टडीज सबसे पहले देखने के लिए। हे वेलकम बैक, स्वागत करता हूं आपका। मैं हूं सुबोध सिंह राणा, इमर्जिंग मोटिवेशनल स्पीकर, लेकर आता हूं आपके डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज को। आज फिर से आया एक और नई केस स्टडीज जो बताऊंगा आपको। दुनिया की नंबर वन मोटर कंपनी थी किसी टाइम पे, हीरो और होंडा जिसको आप कहते थे। क्या वजह थी उनके बीच, जो उनके बीच 25 साल के जो ज्वाइंट वेंचर था उसके उसमें दरार आई और 2010 में उन्होंने अपने ज्वाइंट वेंचर को खत्म करने की सोची। और उसके पास शायद जो हीरो था, जो इंडियन कंपनी हीरो है, उसके पास शायद वो इंडियन मार्केट में अपनी ग्रोथ को उस तरीके से मेंटेन नहीं रख पाया जैसे कि होंडा ने रखी। होंडा के 2010 के बाद अगर होंडा के ग्राफ को आप देखें तो उसमें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ है। और उसी स्थान पर अगर आप हीरो को रखना चाहेंगे तो हीरो ने जो हीरो की ग्रोथ है वो हमेशा नीचे की तरफ आई, यानी कि डिक्रीज की है। तो आज आपको उसके रीजंस बताऊंगा कि उसमें रीजंस क्या थे, आखिर क्या रीजंस थे जिससे हीरो को हमेशा नीचे आना पड़ा और होंडा ने वहीं पे ऊपर की चढ़ाई चढ़ी। टाइम था 1984 का, जब जापानीज कंपनी होंडा इंडिया में अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश कर रही थी और उसको इंडिया में आने के लिए एक बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी। तब उसने हीरो को लिया अपने साथ, बोलता है कि मेरे पास टेक्नोलॉजीज है। होंडा बोलता है हीरो को, मेरे पास टेक्नोलॉजीज है, तेरे पास क्राउड है, तो मुझे अपना क्राउड दे, बदले में मैं तेरे को अपनी टेक्नोलॉजी दूंगा, एक नया प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, पूरे इंडिया में अपने प्रोडक्ट को फैलाएंगे। हीरो को ये बात पसंद आई, बट जो हीरो का मेन स्केल था ना वो क्वालिटी पे था। बोलता था कि मुझे क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, अगर मैं तेरे को क्वालिटी अच्छी करेंगे, अपनी क्वालिटी को मेन फोकस रखेंगे तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी। तो उसने उसका जो मेन फोकस था वो था एक मिडिल क्लास फैमिली पे, कि मैं अपना जो प्रोडक्ट फैलाऊंगा वो किसी प्रीमियम लेवल पे नहीं फैलाऊंगा बल्कि मिडिल क्लास लेवल पे फैलाऊंगा। मिडिल क्लास लेवल को ज़्यादा अगर मैं इस पर ध्यान दूंगा तो मेरे प्रोडक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप बढ़ती रहेगी, अपने आप जो उसकी क्वांटिटी है वो अपने आप बढ़ती रहेगी, बस मुझे क्वालिटी पर फोकस करना है। और यही वजह थी शायद कहीं ना कहीं जो कि हीरो और होंडा ने जब आपस में पार्टनरशिप करी तो उनके प्रोडक्ट में धमाल मचा दी पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबली उनके प्रोडक्ट की इतनी मांग थी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट वो बन चुके थे। हीरो होंडा बाकी बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी से अलग कैसे बनी, उसके ब्रांड स्केल और ब्रांड रिकॉल की वजह से। ब्रांड स्केल का मतलब है अपने जो स्केल था, अपना जो प्रोडक्ट था ना, उसको बहुत ग्लोबली लार्ज स्केल में फैलाते थे, जिस वजह से जो एक्सपेंस पर प्रोडक्ट होता था वो काफी कम जाता था। हालांकि मार्जिन के मामले में हीरो होंडा को कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता था, बट अपने स्केल को लार्ज लेवल पर फैलाते थे जिससे कि एक्सपेंस पर यूनिट प्रोडक्ट काफी लो हो जाता था। और दूसरा था ब्रांड रिकॉल। ब्रांड रिकॉल जो था इनका वो था फ्लिट शटेड एंड पॉकेटेड, अपने कस्टमर के माइंड में बिठा दिया कि ऐसा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिलेगा, भले ही आपको टेक्नोलॉजी अच्छी मिल जाएगी प्रोडक्ट, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के कस्टमर के माइंड में कर जाए कि एक बार आपने तेल भर दिया इसमें तो आपको फिर माइलेज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बंद करो भूल जाओ। यही था फ्लिट शटेड पॉकेटेड का मतलब, कि अपने कस्टमर के दिमाग में बता देता कि ऐसी टेक्नोलॉजीज और ऐसा माइलेज आपको दूसरी बाइक में कहीं मिल ही नहीं सकता। और यही काम किया, यही उनके फायदे की बात की कि अपने प्रोडक्ट को फैलाते गए, ज़्यादा दूर दूर तक फैलाती गई हीरो होंडा जो कंपनी थी। टेक्नोलॉजी के मामले में अच्छी थी, माइलेज के मामले में तो उसकी टक्कर कोई ले ही नहीं सकता था। अपने 26 साल के ज्वाइंट वेंचर को इन्होंने खत्म करने की सोची 16 दिसंबर 2010 में। उसके पीछे जो मेन रीजन थे वो केवल 5 रीजन थे। रीजन था वो था इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ आरएनटी। आरएनटी मींस होता रॉयल्टी एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का बहुत पैसा इनको प्रोवाइड करना पड़ रहा था होंडा को, तकरीबन 90% को देना पड़ रहा था। दूसरा था पीडीसी। पीडीसी होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट। अपने जो हीरो होंडा की प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा आ रही थी एज कम्पेयर टू उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे। अगर हीरो होंडा की प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट की बात की जाए तो वो तकरीबन 2.7% थी, और वहीं पर बजाज और टीवीएस की जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो थी 2.5 और 1.4%। तो अपना जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट और रॉयल्टी एंड टेक्नोलॉजी का काफी पैसा इनको देना पड़ रहा था, होंडा को प्रोवाइड करना पड़ रहा था, और इस वजह से इनका मार्जिनल बहुत ज्यादा लॉस्ट में जा रहा था, क्योंकि हीरो होंडा का जो मेन फोकस था वो स्केल पे था, अपनी लिमिटेशंस को इनने बहुत लिमिट कर रखा था, यानी कि अपनी इसकी जो बाइक्स थी वो काफी एक्सपेंसिव नहीं थी, बट उसमें जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट थी मार्जिनल उसमें काफी लॉस्ट आ रहा था। और जो मेन रीजन था वो था HMSI। अब HMSI क्या है? HMSI है होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इन इंडिया। अब जब हीरो और होंडा यहां से ग्लोबली अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे थे, वहीं पे होंडा ने अब यहीं से सॉलिटेयर होने का रास्ता ले लिया। हालांकि हीरो और होंडा दोनों एक साथ जॉइंट वेंचर पे भी काम कर रहे थे, बट होंडा ने अब सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने प्रोडक्ट को थोड़ा अलग कर लूं, तो उसने HMSI को इंडिया में लॉन्च किया। HMSI एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बनता गया यहां से हीरो और होंडा का, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की जो बाइक थी वो 3 लेवल में डिवाइड होती थी। फर्स्ट जो लेवल था वो था एंट्री लेवल सेगमेंट, दूसरा था एग्जीक्यूटिव सेगमेंट, और तीसरा था प्रीमियम सेगमेंट। एंट्री लेवल सेगमेंट में वो बाइक आती थी जो कि 120 से 125 डिग्री सीसी के इंजन तक की बाइक होती है, और दूसरा था आपका एग्जीक्यूटिव सेगमेंट। एग्जीक्यूटिव सेगमेंट के अंडर 225 सीसी की इंजन वाली बाइक आती है, और उसके बाद की इंजन वाली जो आती है प्रीमियम सेगमेंट में आती है। एंट्री लेवल सेगमेंट में जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था हीरो और होंडा का, जिसने 72% मार्केट इंडिया का ग्रैब कर रखा था। सेकंड था जो वो था एग्जीक्यूटिव सेगमेंट का,
उसमें इंडिया का जो मार्केट था वो 27% था, हालांकि 1% प्रीमियम सेगमेंट का था, उसको कोई ज्यादा इतना इंडिया में उसकी इतनी मांग नहीं थी। और जो मेन यहाँ पे कॉम्पिटिटर बनता गया वो HMSI, इसलिए बनता गया क्योंकि HMSI ने दोनों लेवल पे अपनी बाइक्स का यानी कि अपने स्कूटर्स का लॉन्च किया था इंडिया में, जो कि एंट्री लेवल सेगमेंट में भी काम करती थी और एग्जीक्यूटिव सेगमेंट्स में भी काम करती थी। और यहीं से दोनों सेगमेंट में काम करने के लिए अब वो हीरो और होंडा के अपोज इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हीरो क्या सोच रहा था कि अब मैं अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता हूँ, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूँ हीरो होंडा प्रोडक्ट्स में, बट होंडा चाहता ही नहीं था। होंडा बोलता था कि अगर हीरो होंडा बाइक्स बनेंगी तो प्रोडक्ट्स मेरे यूज होंगे, टेक्नोलॉजीज मेरी यूज होंगी, अगर करना है तो तुम सॉलिटेयर हो जाओ, फिर अगर तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स का यूज करना है तो। यहीं पे इन दोनों बिजनेसमैन की बनी नहीं, हीरो और होंडा की आपस में बनी नहीं, और ये हमेशा इतिहास गंवा रहा है कि अगर कभी भी बिजनेसमैन की आपस में बनती है तो हमेशा उनकी टूटती जरूर है। अब इसमें गलत क्या था, होंडा हीरो पे एक्चुअली डोमिनेंट होने की कोशिश करता था कि टेक्नोलॉजी है जापानी, ज्यादा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल कंट्री है तो इसमें इसका ज्यादा घमंड होता था, बोल रहा था कि टेक्नोलॉजी यूज होगी तो केवल मेरी। रीजन था इश्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। अब कुछ शेयर होल्डर्स ने बताया कि 1984 में जब इन्होंने एक डील साइन की, जब 1984 में इन्होंने ज्वाइंट वेंचर को लॉन्च किया तो तब इन्होंने एक डील साइन की कि जो प्रोडक्ट भी हम लॉन्च करेंगे वो केवल अपने देश तक सीमित होगा, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजीज हीरो होंडा डेवलप करेगी वो केवल इंडिया और जापान तक ही सीमित रहेगा। बट अपने डील को उन्होंने कुछ सालों बाद मॉडिफाई किया और उन्होंने बताया कि अब हम अपने प्रोडक्ट्स को कुछ और कंट्रीज में भी लॉन्च करेंगे, जैसे कि जो कंट्रीज थी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड कोलंबिया जैसी कंट्रीज। उसके बाद इंडिया जो अपने प्रोडक्ट्स है वो कुछ और देशों में मैन्युफैक्चर करना चाह रहा था, बट इंडिया ये भी चाह रहा था कि मैं मैन्युफैक्चर करूं और अपने हीरो होंडा प्रोडक्ट्स में भी कुछ जापानीज टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ बाहर की टेक्नोलॉजी को उसमें यूज करूं, बट होंडा ये नहीं चाह रहा था। होंडा बोल रहा था कि होंडा सब्सिडीज में यानी कि होंडा प्रोडक्ट्स में केवल होंडा के प्रोडक्ट्स लॉन्च होने चाहिए, और होंडा बोल रहा था कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी देश की जरूरत नहीं है और मेरी टेक्नोलॉजीज बहुत काफ़ी है मेरे प्रोडक्ट्स के लिए। और यही बात शायद हीरो और होंडा के बीच अन्य पांचवा रीजन था बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली हीरो और होंडा जो ब्रांड था उसमें चार रिप्रेजेंटेटिव तो अकेले होंडा के ही थे, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो शायद कुछ भी चेंज कर सकते थे हीरो और होंडा जो एंटरप्राइजेस थी, बाकी हीरो का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता था, बट होंडा के रिप्रेजेंटेटिव चेंज कर सकते थे। साफ दिख रहा था कि डोमिनेंसी होंडा क्रिएट करना चाहता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आए, और यही रीजंस बना कि आखिर में 16 दिसंबर 2010 में इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया। की जाए कि टू व्हीलर मोटो मैन्युफैक्चर कंपनीज में किससे ज्यादा डोमिनेंसी क्रिएट आफ्टर ब्रेकअप, यानी कि जॉइंट वेंचर जब 16 दिसंबर 2010 में खत्म हुआ उसके बाद किसने ज्यादा डोमिनेंसी क्रिएट किया मार्केट में, मार्केट में खैर अभी भी हीरो मोटो कॉर्प यानी कि जो कि पहले हीरो था अब हीरो मोटो कॉर्प के नाम से जाना जाता है, उसने अभी तक डोमिनेंसी क्रिएट कर रखी है, बट कुछ सालों में क्योंकि अब वो थोड़ा टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जापान की, तो इस वजह से उसका थोड़ा मार्केट लो भी गया है। बट आज भी अगर बात की जाए तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों की ग्रोथ में, यानी कि होंडा की ग्रोथ में और हीरो की ग्रोथ में जमीन आसमान का फर्क है आप साफ देख सकते हैं। बट वहीं आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी लॉस होने की वजह से हीरो थोड़ा लॉस में गया है कुछ सालों से, लेकिन आज भी उसका मार्केट सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो ये थी दोस्तों वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये केस स्टडी पसंद आए तो हिट द लाइक दबा दीजिए, अपने आप वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को तो बताइए कि आखिर क्या वजह थी हीरो और होंडा के जॉइंट वेंचर को आखिर ब्रेकअप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को, तब मेरी वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे चैनल पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद।